हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके कि कैसे आप अपने केमिकल पील को यूज कर सकते हैं लगाने के लिए प्रिकॉशन। सबसे पहले मैं इसके प्रिकॉशंस की बात करती हूँ। इसका प्लीज आप पैच टेस्ट कीजिए इसको यूज करने से पहले, कि आपको ये रिएक्ट ना कर जाए और आपको कहीं पे इरिटेशन या फिर कुछ भी एलर्जिक टाइप ना हो इससे। क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं या फिर ये जो केमिकल पील होते हैं, आपको अपनी स्किन को इनका यूज टू बनाना होता है, देन ओनली आप इसको यूज कर पाएंगे। इसमें जो प्रोपोर्शन है AHN BHA का वो काफी हाई है, तो आप पहले सबसे पहले इसको यूज करने से पहले आप अपनी स्किन को इसके यूज टू बनाइए। सो जिससे कि आपकी जो स्किन है इसके मतलब यूज टू हो जाए, आपके स्किन में इरिटेशन ना हो और आपकी स्किन को इचिंग ना हो या फिर कहीं से जले ना, ऐसा कुछ। तो इसको यूज करने से पहले आपको अपनी स्किन को यूज टू बनाना होगा इसके, देन ओनली आप इसको यूज करना। मैं ऐसा आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलरेडी यूज कर रही थी सुगंधा के बहुत सारे AHN BHA वाले प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने इसको लिया। उनको यूज करने के बाद ही मैंने इसको लिया है। उनमें जो परसेंटेज होती है AHA की वो अप्रोक्स 2% होती है, जो कि हमारी स्किन पे ठीक रहती है। जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी केमिकल पील अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन थोड़ी जलती है, आपकी स्किन में इरिटेशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ एक अच्छा सनब्लॉक भी अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेनी है कि आप इसको लगाने के बाद सन में ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। आप इसको प्रेफर करें रात में लगाना, और इसके लगाने के बाद एक अच्छा सनस्क्रीन आपको यूज़ करना होगा जिसमें 50+ SPF हो। एंड इसके अप्लाई करने से पहले भी आपको वैक्स या फिर प्लकिंग ये सब नहीं करना है अपने फेस पे, और इसको अप्लाई करने के बाद भी आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जिससे कि आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो गई है तो वो इरिटेशन और ज़्यादा ना बढ़ जाए उसके लिए। एंड आप इसको अपने एक्नेज या फिर एक्टिव एक्ने हैं उनके ऊपर ना लगाएं, आपकी स्किन में इरिटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगी। अगर आप उसको एक्टिव एक्नेज पे या फिर कहीं पे जला हुआ है या कटा हुआ है उस पे लगाएंगे तो आपको जलन होगी उस एरिया पे। और आपने अगर अपनी स्किन में शेविंग या फिर वैक्सिंग कराई है तो प्लीज़ आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी स्किन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो ये लगा के और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो आपके लेने हैं इसको यूज़ करने से पहले या फिर यूज़ करने के बाद। तो अभी मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने फेस को एकदम वॉश कर लीजिए एकदम क्लीन क्लेंजर से। कोई भी क्लेंजर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद अपने फेस को डैप कर लीजिए, बहुत ही लाइटली डैप करना है टावल से। एंड मेक श्योर आपकी स्किन में कोई भी वाटर का ड्रॉप ना रहे आपकी स्किन पे, और एकदम ड्राई हो आपकी स्किन, उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं होना चाहिए। एंड देन आप इसको अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, और मेक श्योर कि आप इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब से आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो इसको, और फिर जब आप इसको अप्लाई करना कंप्लीट कर लेते हो तो उस स्पैन को भी आप 10 मिनट्स में काउंट कीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा अप्लाई मत करना इसको, एंड देन उसको वॉश ऑफ कर लीजिए विद नॉर्मल वाटर। एंड देन आप कोई भी अच्छा सा क्रीम लगा सकते हैं या फिर भी अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन को नरिशमेंट मिले और हाइड्रेशन मिले। तो अच्छा सा एक हैवी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए इसको लगाने के बाद, एंड देन इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दीजिए, और आपको सुबह जब उठेंगे तो काफ़ी स्मूथ स्किन मिलेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको स्किन अपनी देखने में भी, और आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ भी रहेगी और ग्लोई भी रहेगी। तो ये था कि कैसे आप अपने केमिकल पील को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।